नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिट्रेरिया आइसलैंडिका की, जिसे हम आइसलैंड मोस भी कहते हैं। आइए जानते हैं एस्टन का एक और करामाती पौधा किन किन बीमारियों में यूज होता है। इसे हम एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसे हम एंटी एमिटिक के रूप में भी, यानी कि एंटी एमिटिक का मतलब होता है कि यदि आपने कोई फूड या ऐसा सब्सटेंस ले लिया हो जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो रही हो, तो एंटी एमिटिक के रूप में ये बहुत अच्छा काम करता है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में बहुत बढ़िया काम करता है। ग्लेक्टागोग के रूप में काम करता है। ग्लेक्टागोग का मतलब है कि माँ के दूध का जो फ्लो है उसको भी बढ़ाने में ये मदद करता है। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। टॉनिक के रूप में ये यूज होता है। एक्सपेक्टोरेंट का भी ये काम करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा काम करता है। कफ के ऊपर अच्छा काम करता है। यदि म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ये काम करता है तो कफ के ऊपर तो करेगा ही। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, फूड पॉइजनिंग का कोई केस हो, क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन हो, वॉमिटिंग कॉपियस की कंडीशन हो, एक्सपेक्टोरेशन के रूप में बहुत बेहतर काम करता है। और नोजिएटेड कंडीशन की वजह से, नोजिया की जब कंडीशन आती है और फाउल स्मेल हमें आती है तो उस वक्त भी ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इसका। कैटरा में बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। स्क्रोफुलस के तौर पर ये बड़ी अच्छी, उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है स्क्रोफुलस रीजन पर। और अल्सर, छोटे छोटे छाले हो जाते हैं उनके ऊपर बेहतर काम करती है। किसी का मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, बिटर टेस्ट हो जाता है, उस पर बहुत बेहतर काम करती है। फील्स फुल एंड सेटिस्फाइड बाय ईटिंग अ लिटल, यानी कि किसी ने थोड़ा बहुत खा लिया और उसको एकदम पेट भरने का एहसास कि बस भाई अब और नहीं खाया जाता, थोड़ा सा खाने के बावजूद भी। तो एट्रोपी की जो कंडीशन आती है, अल्सर की जो स्थिति आती है, वीकनेस की जो स्थिति आती है, और इस पौधे का यूज S10, F1, F2 में बेहतर तरीके से किया जाता है। आइए थोड़ा सा इसको, इसका डिटेल हम जो है एनालिसिस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। इसके छोटा सा इसका करेक्टर है, लेकिन अगर इस प्लांट के गुणों की बात करें तो S10 की तौर पर इसकी रेमेडी के रूप में अगर हम चर्चा करेंगे तो ये बड़ा डीप में काम करने वाला प्लांट होता है। और ये पारमेलिएसी फैमिली का मेंबर होता है, और लिंचन फैमिली का भी ये मेंबर होता है। इसे लिंचन भी कहते हैं, आइसलैंड मोस भी कहते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है, USA में मिलता है, हाई एल्टीट्यूड के रीजन ऐसे इलाके में ये मिलता है। ड्राइड थैलेमस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को बार बार जुकाम की स्थिति आती है तो S10 इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमा। S10P1 इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ एलर्जीज, म्यूकस मेम्ब्रेन, ट्यूबरक्लोसिस, एनी टाइप ऑफ फीवर, इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शियस का दर्जा इसे मिलता है। किसी भी प्रकार का जुकाम होना, दस्त लगना, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन होना, किसी को फोड़ा डेवलप होना, स्कर्वी की कंडीशन यदि आ जाती है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति वीक होते हैं, रिकरंट रेस्पिरेटरी डिजीज से अफेक्टेड होते हैं, उनको बार बार जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसकी डिजीज होती है। ये एक डीपली एक्टिंग मेडिसिन होती है और ऐसी स्थिति में बहुत गहराई से काम करती है। कुछ मेडिसिन शॉर्ट टर्म होती है, जब तक आप मेडिसिन देते रहोगे उसका असर रहेगा, जब मेडिसिन देना बंद उसका असर खत्म। लेकिन सिट्रेरिया आइसलैंडिका कुछ इस तरह की मेडिसिन होती है जो गहराई में जाकर काम करती है, एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। इससे बड़ी मेडिसिन EH में और कोई नहीं है। S1 के बाद S10 का ही नंबर आता है और उसके बाद WE का नंबर आता है। ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, टॉनिक के रूप में काम करती है। क्योंकि यदि न्यूट्रिशन मिलेगा तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो ATP बनेगा, और ATP बनेगा तो हमें बहुत अच्छा एहसास होगा। तो यहाँ इस लेवल पर हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि यदि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है, जाने अनजाने में ये उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए बहुत बेहतर तरीके से यूज़ होती है। कुछ हमारे जो EH प्रैक्टिशनर्स हैं जो पुराने, वो S1 को बिफोर मील देते थे और S10 को आफ्टर मील देते थे, आज तक दे रहे हैं। और कई बार वो स्थिति को, खाली इसी स्थिति को देते रहें तो हर स्थिति में
वो जरूरी नहीं कि कामयाब हो जाए, तो इसके लिए हमें कुछ सपोर्टिव मेडिसिंस भी देने की जरूरत होती है। और किसी डिजीज के कारण यदि हमें वीकनेस आती है तो उसके ऊपर भी बेहतर यूज होता है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है, तो ये टॉनिक के रूप में काम करती ही है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि इस पौधे का व्यवहार क्या है, मेडिसिन का व्यवहार क्या है। ये एंटीबायोटिक के, जब हम बहुत ज़्यादा एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, तो किसी भी तरह के जो कैटरा की कंडीशन होती है, जुकाम की कंडीशन होती है, उसको दबा लिया जाता है। अब यहाँ इसके पीछे का फीडबैक अगर आप नोट करते हो, तो एलर्जेंस क्या करता है, वो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन पर आप दबा रहे हो उसे, अब ब्रेन क्या करेगा, उसे लैरेंक्स और फेरेंक्स और ट्रेकिया रीजन से लेकर वो लंग्स में पहुंचा देता है कि चलो जी अब आपका काम यही है ना, आप चुपचाप शांत अवस्था में यहां पड़े रहें। लेकिन धीरे धीरे इसकी वजह से लंग प्रभावित हो जाता है और बहुत बड़ी डिजीज के रूप में अस्थमा की कंडीशन आ जाती है, ब्रोंकाइटिस की हमें कंडीशन हो सकती है, एम्फाइसीमा की कंडीशन हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन हमें पैदा हो सकती है, प्लूरेसी भी डेवलप होता है। ये डिजीज जब तक रिकरंट नहीं होती, ये तब तक नहीं होती, लेकिन जब बार बार हमें इस तरह की समस्याएं आती हैं, सिम्टम्स आते हैं, तो ये क्रॉनिक डिजीज के रूप में डेवलप हो जाती है। S10P1 की जो MMP ग्लोबुल्स हैं, आप 1 साल तक किसी व्यक्ति को दे दीजिए, उसके बाद उसे दोबारा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, चेस्ट पर आप मसाज वाला ऑयल बनाकर दे सकते हैं, उस व्यक्ति को नेबुलाइजर दे सकते हैं ताकि उसकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल आ जाए, है ना। और सबसे पहले आपको एलर्जेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि वो एलर्जेंस वहां से लंग से निकलकर ब्लड में आ जाए, और ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड से वो बाहर चला जाता है। S10P1 लंग्स की बेस्ट मेडिसिन के रूप में काम करता है, कफ को ये बाहर निकाल देती है ना। और लंग्स में जितनी भी कैपिलरीज होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, जितनी भी एल्वियोलाइज होती हैं, वहां ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, तो जो जो म्यूकस चिपचिपा गाढ़ा हो जाता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में दिक्कत आती है, मीन्स O2 प्रॉपर तरीके से यानी कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, आ रहा है तो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रहा है, जा रहा है तो बहुत कम मात्रा में जा रहा है, इसलिए ऐसे पेशेंट को डिस्निया, सफोकेशन की कंडीशन आ जाती है। और इस करेक्टर पर सबसे पहले हमें एलर्जेंस को, एलर्जी को ठीक करना जरूरी होता है, जो धीरे धीरे कफ के रूप में वो बाहर निकलने लग जाता है, और जैसे ही कफ साफ होने लगेगा तो पेशेंट को रिलीफ होने लग जाएगा। हमें सिर्फ ऑर्गन के सोल्यूशन पर ध्यान देना है, और उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है तो हम S10P1 दे ही रहे हैं और बहुत बेहतर काम करेगी। अस्थमा का प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है, लेकिन S10P1 की जो ग्लोबुल्स है, लंग्स को जब हम न्यूट्रिशन देते हैं तो 3 महीने बाद हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और ऐसे रिजल्ट्स को देखकर MBBS भी हैरान हो जाते हैं, और ये हमारी भूख को बढ़ा देता है ना। और बहुत जो सिट्रेरिया आइसलैंडिका जो पौधा है, डोंट फॉरगेट, यदि फूड पॉइजनिंग की कंडीशन आती है तो उसमें बेहतर यूज़ होता है, क्रॉनिक डायरिया के ऊपर बहुत बेहतर यूज़ होता है, इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत अच्छा यूज़ होता है, और ये एक तौर पर पेक्टोरल के रूप में काम करती है, एंटी टिश्यू है ना, एंटी ट्यूबुलर होती है, एंटी एमिटिक होती है, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बता दिया था, जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को वॉमिटिंग होती है, वो कवर नहीं होती है, तो S10 का हम 30वां डाइल्यूशन से लेकर 200वें डाइल्यूशन तक प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट, है ना। ये किसी भी टिश्यू डैमेज को कवर करती है, क्योर करती है। अगर हमें किसी को, किसी के खाने को देखकर नोजिया या मितली की शिकायत होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक में जब सफ़र करते हैं, या जो है ना, जो बस में सफ़र करते हैं, तो उसके बाद उनको नोजियट की कंडीशन आती है, तो नेगेटिव में यदि S10 को दे दें तब भी इसका बहुत बेहतर यूज़ होता है। कैटरा में भी इसका अच्छा यूज़ होता है, अल्सर में हल्के हल्के छाले के रूप में बिटर टेस्ट को ये दूर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिलियस जूस और पेनक्रियाटिक जूस, या आपका मोशन क्लियर नहीं हो रहा, एसिडिटी बनती है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन आती है, तो ऐसी स्थिति में खाने के बाद इसको यदि हम प्रयोग करवाते हैं तो
तो इस तरह की जो भी टेंडरनेस की या फुलनेस की जो कंडीशन आती है उसको दूर करती है दोस्तों। तो ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे एपिसोड्स को एंजॉय कर रहे होंगे और सुनकर आपको मजा आ रहा होगा। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।